हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस विच इज़ द कल्टिवेशन, हाउ दे आर बीन कल्टिवेटेड फॉर द डायग्नोसिस पर्पज. सो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, बिकॉज दे आर एनएरोबिक, सो ऑब्वियसली दे विल नीड सम काइंड ऑफ द स्पेशलाइज्ड मीडिया. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट देम, दीज आर द लेस एनारोबिक देन दी अदर एजेंट्स ऑफ द एनारोबिक इन्फेक्शन. ओके, जो भी एनारोबिक इन्फेक्शन है, मतलब दूसरे बैक्टीरियाज जो एनारोबिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनके कंपेरिजन में क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस बहुत लेस इन्फेक्शन कॉज करता है. तो इसकी बात अगर करें तो वो न्यूट्रिएंट मीडिया, लाइक सभी न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो हो सकता है, विच इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी. मतलब एनारोब होके भी वो सभी मीडिया पे ग्रो होता है. जो यू नो स्पेशलाइज्ड मीडिया होते हैं उनमें, लाइक जो है एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड मीडिया होते हैं, उनमें वो ग्रो होता है. फॉर एग्जांपल किट, यहाँ पे दिया गया है किट थोराजी मीडियम. यहाँ पे एक, अगर आपने एग्जांपल देखा होगा तो एक ब्लड अगार नाम का एक इट इज़ अ मीडियम जो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस को ग्रो करने में यूज़ किया जाता है, अगर उनकी बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखनी हो तो. ओके, देन क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस को जो है मीट मीडिया भी होता है, एक रॉबर्टसन मीट मीडियम, मीट ब्रॉथ सॉरी, आरसीबी मीडियम. तो वो जो है वो भी यूज़ किया जाता है. उसमें क्या होता है, उनको जनरली जो ये क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो गैस गैंग्रीन कॉज करते हैं. ओके, तो गैस गैंग्रीन कॉज करते हैं मतलब क्या, कहीं ना कहीं वो स्किन को इन्फेक्ट करते हैं. तो जब गैस गैंग्रीन होता है तो हमारे जो ह्यूमन के जो सेल्स होते हैं, जिस इंजरी से वो एंटर करते हैं, पूरी तरह से वो सड़ा देते हैं एक्चुअली उस स्किन को. और देन उस स्किन से बहुत गंदी यू नो ऑडर आती है, बहुत बैड ऑडर आती है. दैट इज़ वाई ये रॉबर्टसन मीट मीडियम जो है, ब्रॉथ जो है, वो यूज़ किया जाता है जिसमें एक्चुअल मीट होता है. ओके, तो वो मीट जो है वो डिग्रेड करते हैं, मतलब उसको डिग्रेड नहीं करते एज इन कि उसको खाने जाते हैं बैक्टीरिया, बट उसका कलर चेंज करते, पिंक कलर करते हैं, और उसमें से ऑडर जो है वो आने लगता है उस मीट में से. तो ये कौन करता है, कि इनकी प्रॉपर्टी है क्लॉस्ट्रिडियम जो है परफ्रिंजेंस की. उनकी अगर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करना हो तो वो आरसीबी मीडिया यूज़ किया जाता है. इवन ब्लड अगार में भी ये यूज़ किया जाता है. अभी ये एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस होते हैं ना, ये हेमोलाइटिक होते हैं. मतलब क्या, कि ये आरबीसी या ब्लड में ब्लड को डिग्रेड कर सकते. ओके, आरबीसी को डिग्रेड कर सकते, ये इनकी एबिलिटी है. बट एक ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि ये ज़्यादा एक्टिवेट कब रहते हैं, जब वो किसी के एसोसिएशन में हो. तो जनरली क्या किया जाता है लैब में, तो एक प्लेट होती है जिसमें ब्लड अगार है, तो क्या किया जाता है, ऐसे एक स्ट्रिक दिया जाता है. आपको स्ट्रिक प्लेट टेक्निक पता है, तो ये स्ट्रिक होता है क्लॉस्ट्रिडियम का. ओके, और इसको परपेंडिकुलर दिया जाता है स्ट्रीक ऑफ द सेकंड बैक्टीरिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकाई. ओके, तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई, जब ये क्लॉस्ट्रिडिया हेमोलाइसिस करता है तो उसका जोन ना ऐसे आता है. ओके, इसका ऐसे जोन आता है, ये यहाँ पे ज़्यादा आता है यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई है. तो ऐसा क्यों होता है, और उसको एक नाम भी है, आई डोंट रिमेम्बर. तो ये जोन ऐसा आता है बिकॉज इसमें क्या एबिलिटी है, ये अकेला कभी वार नहीं करता. ओके, ये क्या करता है, अगर वो एसोसिएशन में हो अनएरोब से, लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई हो या स्टेफिलो हो या ई कोलाई, इवन एनएरोबिक, ओके, फैकल्टेटिव एनएरोब्स हो या एनएरोब्स हो, उनके अगर एसोसिएशन में ये आया तो ये क्या करता है, वो और पावरफुल बन जाता है. ये जो मॉलिक्यूल्स सॉरी ये जो बैक्टीरिया, लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई फॉर एग्जांपल, हमने स्ट्रेप्टोकोकाई का एग्जांपल देखा, ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं या टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जो ये दूसरे बैक्टीरिया को, यानी कि हमारे क्लॉस्ट्रिडियम को हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करे. ओके, मतलब ये क्या होते हैं, सपोज स्ट्रेप्टो है, स्ट्रेप्टो ने क्या किया, कुछ टॉक्सिन रिलीज़ किया,
उससे क्या होगा, दिस क्लॉस्ट्रिडियम विल गेट एक्टिवेटेड और वो ज़्यादा अमाउंट में इट विल रिलीज द टॉक्सिन, उसका खुद का टॉक्सिन, ओके, नॉट दिस टॉक्सिन, इसका खुद का टॉक्सिन, ओके। सो ये इसकी एबिलिटी होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जोन आता है वो थोड़ा ऐसा, यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेप्टोकोका है जिसने अपना हिमोलाइसिस किया है, तो यहाँ पे उसका जोन है, इसका यहाँ पे है, बट यहाँ पे सडनली एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोका कुछ ऐसा सिक्रेट करता है जिससे इसका जो है हिमोलाइसिस की एबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और ये ऐसा जोन दिखता है आपको पेट्री डिश में, ओके। सो दैट इज़ इट। तो इसकी एक एबिलिटी है। देन कल्टिवेशन के लिए, इन शॉर्ट आई वॉन्टेड टू टेल कि कुछ स्पेशलाइज मीडिया यूज़ किए जाते हैं, लाइक ब्लड अगार हो या लाइक RCB मीडियम हो। उसका टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ इज़ लाइक 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, और 60 के बिलो वो ग्रो नहीं होता, और 50 डिग्री सेल्सियस के बिलो भी ग्रो नहीं होता, 16 और 50 के बीच में ही ग्रो होता है, इन शॉर्ट, ओके। ऑप्टिमल टेम्परेचर इज़ द 6 to 8, मतलब अबाउट न्यूट्रल टू लाइक न्यूट्रली होता है अराउंड, ओके। नाउ द इट हैज़ द यूनिफॉर्म टर्बिडिटी एंड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस आर प्रोड्यूस इन द कल्चर ग्रोन ऑन द किट टेरोजी मीडियम। इसमें क्या गैस गैंग्री ने मतलब क्या, जो हमारे सेल्स होते हैं उनको ये बैक्टीरिया किल करता है और गैस प्रोड्यूस करता है, उसका फर्मेंटेशन करता है, जो सेल्स में कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टोर, तो इसका फर्मेंटेशन करके गैस प्रोडक्शन करता है, एसिड प्रोडक्शन करता है। तो ये गैस प्रोडक्शन भी ये डिटेक्ट किया जाता है लैब डायग्नोसिस टेस्ट में। तो अगर आपने लैब लेवल में किया होगा शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट अगर की होगी आपने, तो आपको पता है गैस प्रोडक्शन कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो ये उस टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है। अगर वो तो हमने लैब लेवल पर किया था पेंटोज ब्रॉथ यूज़ करके, यहाँ पर किट टेरोजी मीडियम यूज़ किया जाता है, ओके, फॉर चेकिंग द गैस प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे अगर पेशेंट में हमने सैंपल लिया और उसमें गैस, उसका टेस्ट किया ये यूजिंग दिस मीडियम किट टेरोजी मीडियम, तो अगर उस पेशेंट ने इस मीडियम में गैस प्रोडक्शन दिखाया, दैट मींस इट इज़ द क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजन। आपको पता होगा ना बर्गिस मैनुअल में चेक किया जाता है ये बायोकेमिकल के जो है बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टिक्स के बेसिस पे जो है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। यू मस्ट हैव डिड इट। देन ब्रेन मीडियम जो है, जो अगेन एक स्पेशलाइज मीडियम है, इट इज़ ऑल्सो नॉट ब्लैकंड। देन द कॉलनीज रिसेम्बल अ डिस्क और द लेंटिल्स डीप इन द अगार सब कल्चर्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, यहाँ पे अगार में ये कैसे दिख रहे हैं कि अगार में कुछ ऐसे लेंटिकल्स है या कुछ ऐसे स्क्रैचेस है, ऐसे कुछ दिख रहे हैं, बट एक्चुअली कॉलोनीज होती है। यू कैन सी हियर डीप डाउन। सो ये प्लेन अगर देख रहे हो आप, तो ये कॉलोनीज कैसे ग्रो होती है, थोड़े ऐसे कलरलेस टाइप के, जिससे क्या दिखता है कि कुछ लेंटिल्स है या कुछ अगार में कुछ डिस्क है रखी हुई, तो ग्रे कलर की कॉलोनीज फॉर्म होती है, जिससे लाइक नॉट ग्रे कलर की, सॉरी, डिस्क या फिर लेंटिल्स की जैसे कॉलोनीज फॉर्म करती होती है, जिसकी वजह से ऐसा दिखता है कि अगार थोड़ा ऐसा स्क्रैच हो गया है। देन ब्लड अगार में जो है स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म करती है। ब्लड अगार में यू नो ग्लूकोज ऐड किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्मूथ कॉलोनीज वो उसको यूटिलाइज करके दे प्रोड्यूस द स्मूथ कॉलोनीज लाइक ग्रे कलर एंड जिसमें स्मूथ एजेस होते हैं एंड रेड सेंटर। यू कैन सी हियर, यहाँ पे उसके एजेस जो है वी कैन सी इट इज़ अ स्मूथ, बट यहाँ पे सॉरी सेंटर में यू कैन सी इट इज़ अ रेस्ट एट सेंटर, यू कैन सी हियर ऑल्सो। तो ये होता है कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कि ऐसे कॉलोनीज ब्लड अगार पे फॉर्म होते हैं। तो अगर आपको एनारोबिक मीडिया ग्रो करना है, तो फॉर दैट पर्पस नाइट्रोजन जो है 85% इनको लगता है, 10% हाइड्रोजन लगता है, 5% CO2 लगता है। एनएरोबिक में इनको ज़्यादा नाइट्रोजन लगता है, ओके। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम कैसे कॉलोनीज फॉर्म होती है ऑन द ब्लड अगार। नाउ जो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजन की, ये फॉर योर जनरल नॉलेज अगेन, उनकी एक एबिलिटी है कि वो अपनी जो एनएरोबिक प्रॉपर्टीज़ है, जो जनरली एनएरोब होते हैं वो इन मीन्स कि वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो होते हैं, तो वो वही बैक्टीरिया अगर आप किसी एंटीबायोटिक्स पे एक्सपोजर करो या किसी बैक्टीरिया फाज पे एक्सपोज करो इनको या एक्सरे ट्रीटमेंट करो, तो वो अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं और एरोबिक हो जाते हैं।
और वो क्या प्रोड्यूस करते, कैटलेज प्रोड्यूस करने लगते हैं, पेरोक्सीडेज प्रोड्यूस करने लगते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करने लगते हैं जो जनरली एरोब्स में होते हैं, जबकि वो एनएरोब्स है, मतलब उनमें कुछ म्यूटेशन होता है। और यही जो एनएरोब्स जो है वो एरोब में कन्वर्ट हुए है ड्यू टू द एक्सरेज हो या कुछ भी हो, एंटीबायोटिक हो, तो उसकी वजह से जो एरोबिक फॉर्म इनका प्रोड्यूस हुआ है वो टॉक्सिक नहीं होता, मतलब वो डिसीज़ नहीं कॉज करता। ओके, तो ऐसा पाया गया है। अब ये एक्सपेरिमेंट का एक फ़ायदा हो सकता है कि इससे यू कैन लाइक साइंटिस्ट कैन डू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। ओके, तो अगर इन्फेक्शन अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया जाए तो ये ट्रीटमेंट्स की जा सकती है इन द अर्ली स्टेज ओनली। ओके, नाउ द फर्मेंटेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब वो कैसे, एज आई टोल्ड वो गैस प्रोडक्शन करते हैं, शुगर्स भी फर्मेंट करते हैं, तो यही प्रॉपर्टी कैसे चेक की जाती है इनकी कि कैसे वो गैस प्रोडक्शन करते हैं। ऑब्वियसली फर्मेंटेशन में यू ऑल नो द फर्मेंटेशन का जो इक्वेशन होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है और इससे CO2 प्रोड्यूस होता है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट इक्वेशन। तो यही हमें चेक करना है कि फर्मेंटेशन करते हैं कि नहीं। तो अगर फर्मेंटेशन किया मतलब क्या है कि वो जो सैम्पल है उसमें जो भी XYZ बैक्टीरिया, हमें नहीं पता, हमने वो सैम्पल लिया, हमने चेक किया, एंड व्हेन वी फाइंड आउट कि वो, हमने उसका शुगर टेस्ट किया और हमने फाइंड आउट किया वो गैस प्रोडक्शन तो करता है, तो क्या कंक्लूड करेंगे हम कि वो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजन्स का इन्फेक्शन है। सो नाउ यहाँ पे फर्मेंटेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजन्स जो है वो जेलाटिन मीडियम, आपको पता होगा, तो वो लिक्विफाई करता है। जेलाटिन टेस्ट आपने किया होगा लैब लेवल में, तो क्या किया जाता है, जेलाटिन का मीडियम होता है उस पर हमारे जो सैंपल है उसका एक एक लूप फुल लाइक सेंटर में रखना, एंड वी विल ऑब्जर्व हाउ द जेलाटिन इज़ बीन लिक्विफाइड, ये टेस्ट किया जाता है लैब लेवल पर। ब्लड सीरम में अगर कोएगुलेटेड ब्लड सीरम है, मतलब क्लॉट फॉर्म हुए हैं ब्लड सीरम में, और उसमें अगर सैंपल डाला जाए, तो उसने अगर लिक्विफाई किया उस सैंपल को, उस क्लॉक्स को रिमूव किया या क्लॉट्स को जो है वो डिसॉल्व किया, देन वो क्लॉस्ट्रिडियम का इन्फेक्शन है। ओके, एक अल्ब्यूमिन का भी ये लिक्विफिकेशन करता है क्लॉस्ट्रिडियम। देन द ऑर्गेनिज्म हैज़ दैट एबिलिटी को नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में रिड्यूस करता है, नॉर्मली नो इंडोल और ओनली द ट्रेसेस आर प्रोड्यूस। तो आपने इम्विक टेस्ट सुना होगा या पढ़ा भी होगा, तो इम्विक टेस्ट में इंडोल प्रोडक्शन चेक किया जाता है, तो ये इंडोल प्रोडक्शन नहीं करते और उसके कुछ ट्रेसेस ही प्रोड्यूस होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर इज़ कि वो नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करते, नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते इनटू द नाइट्राइट, दैट मीन्स NO3 को कन्वर्ट करते इनटू NO2। उसमें जो नाइट्राइट, सॉरी, जो नाइट्राइट्स होते हैं लाइक दे आर नॉट सो स्टेबल, बट जो नाइट्रेट्स होते वो स्टेबल नहीं होते, और ये जो नाइट्राइट्स होते वो ज़्यादा स्टेबल होते, तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स को। नाउ अलॉन्ग विद दैट वो अमाइंस, वोलाटाइल अमाइंस, ओके, अल्डिहाइड्स, कीटोन भी प्रोडक्शन करते हैं, एसिटिल मिथिल कार्बोनॉइल भी प्रोड्यूस करते हैं, ये सब टेस्ट अलग होते हैं, आपने लैब लेवल पे शायद की होगी ये सब टेस्ट, नहीं भी की होगी तो आपको होगा शायद, तो ये सब टेस्ट की जाती है जनरली, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि अल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है कि नहीं ये बैक्टीरिया, ये कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करता है कि नहीं, ये सब टेस्ट की जाती है। देन देयर इज़ अनदर टेस्ट जो मिल्क पे किया जाता है कि मिल्क का क्लॉटिंग करता है कि नहीं, तो मिल्क में भी अगर क्लॉटिंग हुआ या कोएगुलेट हुआ, मतलब कर्डलिंग हुआ मिल्क का या कर्ड फॉर्मेशन हुआ इन शॉर्ट मिल्क का, तो ये फर्मेंटेशन करते हैं। ओके, नाउ उसमें क्या होता है, मिल्क का ये फर्मेंट, अगर हमने इसका सैंपल डाल दिया मिल्क में तो वो कर्डलिंग करेगा मिल्क की, स्पॉइल करेगा मिल्क को या क्लॉट फॉर्म करेगा, सॉफ्ट क्लॉट, ओके, दही इन शॉर्ट, तो ये फर्मेंटेटिव प्रॉपर्टी है। देन मीट मीडिया जो मैंने आपको बताया RCB मीडियम होता है, रॉबर्टसन मीट मीडियम, तो उसमें इट प्रोड्यूसेस द ब्यूट्रिक एंड द एसिटिक एसिड्स और गैसेस भी प्रोड्यूस करता है लाइक CO2, H2, H2S, NH3, बहुत लाइक टॉक्सिक गैसेस है एज़ वी ऑल नो, और NH3 स्पेसिफिकली जो ये बैड ओडर आता है वो कहाँ से आता है, NH3 से, वी ऑल नो। तो ये एबिलिटी है इस ऑर्गेनिज्म की, वो मीट मीडियम जो है मैंने आपको बताया था वो पिंक कलर का हो जाता है और वो गंदा ओडर प्रोड्यूस करता है, तो वो ये गैसेस की वजह से होता है। नाउ
इट फर्मेंट्स द ग्लूकोज, लेविलोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सैकरोज, लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन विद द एसिड एंड द गैस फॉर्मेशन. मैनिटोल इज नॉट फर्मेंटेशन, मतलब एक्सेप्ट मैनिटोल मोस्ट ऑफ द शुगर्स को ये फर्मेंटेशन. आपने शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट किया होगा जिसमें हम चेक करते हैं ट्यूब में कि ट्यूब में हम डरहैम्स ट्यूब जो है वो उल्टी लाइक इन्वर्टेड पोजिशन में रखते हैं और हम गैस प्रोडक्शन चेक करते हैं. अलॉन्ग विद दैट हम मीडिया का कलर चेंज भी ऑब्जर्व करते हैं, मतलब अगर वो पिंक कलर का है तो वो जो है थोड़ा पेल हो जाए, येल्लो हो जाए. सपोज आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल, तो कलर चेंज और गैस प्रोडक्शन, यहाँ पे आपको गैस फॉर्मेशन दिखता है डरहैम ट्यूब्स में, जिससे हम कंक्लूड करते हैं कि वो गैस प्रोडक्शन करता है या एसिड प्रोडक्शन करता है, ये हम इससे चेक करते. तो ऐसा शुगर टेस्ट किया जाता है, आपने किया होगा नहीं किया होगा, बट यू विल हैव टू वॉच द यूट्यूब वीडियोज, अदर यूट्यूब वीडियोज, आपको पता चल जाएगा. बहुत इजी टेस्ट है. देन मैनिटोल, बस वो फर्मेंट नहीं करता, मतलब मैनिटोल के ट्यूब में आपको कहीं भी कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा. नाउ यू कैन सी हियर इन द लैब, सॉरी इन द डायग्राम, कि यहाँ पे जिलेटिन हाइड्रोलिसिस का जोन आपको दिख रहा है. ओके नाउ ओके, और यहाँ पे यू कैन सी मिल्क का कैसे इसने कर्डलिंग किया है या क्लॉट फॉर्मेशन किया है. ओके सो नाउ टॉक्सिन प्रोडक्शन वी विल टॉक अबाउट. सो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जिससे एक्चुअल में इन्फेक्शन होता है. नाउ ये जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ द क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, वो कई लाइक टाइप्स के टॉक्सिन प्रोडक्शन करते हैं जिसके स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. लीथल टॉक्सिन मतलब ऑब्वियसली डेथ कॉजिंग टॉक्सिन, हेमोटॉक्सिन दैट मीन्स ब्लड के लिए जो टॉक्सिक है ऐसे टॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स मतलब ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम पे अटैक करने वाले टॉक्सिन्स, नेक्रोटिक टॉक्सिन्स मतलब क्या सेल्स को किल करने वाले टॉक्सिन्स. ओके द टॉक्सिन्स एंड द एंजाइम प्रोड्यूस बाय द वेरियस स्पेसिस ऑफ द गैस गैंग्रीन ग्रुप आर सिमिलर फ्रॉम वन स्पेसिस टू अनदर. ओके तो ये जो भी जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म, मतलब पर्टिकुलरली क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजन्स जो है वही गैस गैंग्रीन कॉज करता है. तो इनमें ये जो एंजाइम्स है ज़्यादा डिफर नहीं करती, मोस्टली सेम ही होती है. जो भी एंजाइम्स है जो भी टॉक्सिन्स है जनरली सेम होते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म गैस गैंग्रीन कॉज करे. ओके देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मेनी ऑफ देम हैज़ नॉट बीन प्योरीफाइड कैरेक्टराइज्ड, मतलब इतने सारे टॉक्सिन ही गैस गैंग्रीन कॉज करने वाले पैथोजेंस या क्लॉस्ट्रिडियम प्रोड्यूस करते हैं कि अभी तक बहुत सारे जो है अभी तक है फिर भी हमें डिस्कवर नहीं हुए या साइंटिस्ट को डिस्कवर नहीं हुए ऐसे भी टॉक्सिन्स है, मतलब बहुत सारे हैं. नाउ अप टिल नाउ अबाउट 12 टॉक्सिन जो है वो डिटेक्ट हो चुके हैं और एंजाइम्स भी उनके लाइक डिस्क्राइब कर किया है कि वो ऑब्वियसली टॉक्सिन से मतलब क्या होते हैं, कोई एंजाइम से होते हैं, कोई भी टॉक्सिन हो तो उसमें क्या एबिलिटी रहती है, टॉक्सिन्स क्या करते हैं हमारे सेल्स को हार्म करते हैं, हमारे बॉडी को हार्म करते हैं. तो सपोज़ कोई हेमोलाइटिक टॉक्सिन है या हेमो टॉक्सिन है तो वो क्या करने वाले हैं, आरबीसी की सेल्स को किल करने वाले हैं, मतलब उनमें कुछ ऐसी एंजाइम्स होगी जिससे वो आरबीसी को क्लीव करे. कई टॉक्सिन हो सकते हैं न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स भी टॉक्सिन हो सकते हैं, वो क्या करेंगे हमारे सेल्स के डीएनए हो, आरएनए हो, आरएनए हो, न्यूक्लिक एसिड्स हो, वो डिग्रेड करेंगे. कई टॉक्सिन हो सकते हैं प्रोटीनेजेस, तो प्रोटीनेजेस वी ऑल नो वो क्या करेंगे, वो प्रोटीन डिग्रेडेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी. तो यही टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब टॉक्सिन्स मतलब कुछ ऐसे स्पेशलाइज नहीं होते, वो एक प्रकार के एंजाइम्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को डैमेज कॉज करते हैं. नाउ 12 एंजाइम्स है अबाउट, 12 अभी तक डिस्कवर किए हैं जो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजन्स है उसमें. तो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूजन्स जो है उनके 5 जो है सब स्पेसिस डिस्कवर किए गए हैं या ग्रुप्स हैं. तो इसमें लाइक डिफरेंट टॉक्सिन्स आर गिवन, अल्फा लेक्टिनेजेस, देन बीटा लीथल और नेक्रोटाइजिंग, गामा लीथल, डेल्टा लीथल विच इज़ हेमोलाइटिक, देन एप्सिलॉन नेक्रोटाइजिंग,
देन कोलाजिनेज प्रोटीनेजेस हिलारोनाडेज एंड देर इज़ द डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियस. थोड़े कॉम्प्लेक्स नाम है बट लेक्टिनेज मतलब क्या, लेक्टिनेज का कंपाउंड है जो जनरली हमारे अभी वो अल्ब्यूमिन में प्रेजेंट रहता है एग्स के, तो ऑब्वियसली वो सेल का ही पार्ट है. तो जो लेक्टिनेजेस एंजाइम है वो ऑब्वियसली सेल को ही डिग्रेड करने वाली, दे आर द पार्ट ऑफ द टिश्यू ऑल्सो. ओके, सो ये जो लेक्टिनेजेस है वो ए पार्ट, लाइक यहाँ पे फ्रॉम द डायग्राम आई विल जस्ट गिव यू द 2-3 एग्जांपल्स. तो ये लेक्टिनेजेस जो है वो ए पार्ट में, बी में भी, सी में, डी में, ई में, मतलब ऑल द सब स्पेसिस में प्रेजेंट है. ओके, ऑफ द क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस. ओके, तो इनके सभी स्पेसिस में इट इज़ प्रेजेंट. प्लस 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 मतलब क्या, सब में पॉजिटिव. जो सेकंड टॉक्सिन है वो यहाँ पे ए में एब्सेंट है, जो है लीथल नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन, बीटा लीथल नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन. ओके, जो बीटा टॉक्सिन है वो लीथल होता है, मतलब क्या, सेल को किल करने वाला. नेक्रोटाइजिंग जनरली क्या होता है, सेल को किल करने वाला. अभी सेल किल हुए मतलब इट इज़ ऑब्वियसली काइंड ऑफ अ लीथल, हमारे लिए लीथल है. ओके, देन बीटा बी टाइप में है, सी टाइप में है, मतलब बाकियों में है ये है नहीं, बस बी में एंड सी में दे आर प्रेजेंट. लाइकवाइज जो थर्ड टॉक्सिन है गामा, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द सम स्ट्रेन्स ऑफ द बी एंड द सम स्ट्रेन्स ऑफ द सी, नॉट ऑल द स्ट्रेन्स. ओके, और बाकियों में ये प्रेजेंट नहीं है. तो ऐसे ही बाकी कुछ यू नो टॉक्सिन्स है जो सभी स्ट्रेन्स में प्रेजेंट नहीं है, कुछ में है, कुछ में एब्सेंट है. ओके, यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी द एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका. तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो क्लॉस्ट्रिडियम जो है परफ्रिंजेस, उसके 5 सब टाइप्स है, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ. ओके, तो एफ भी हो सकता है, बट जनरली 5 या 6 होते हैं. ओके, तो ये जो वेरिएंट्स हैं उनको कैसे डिफ्रेंशिएट, मतलब ये तो है तो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस ही, पर उनको और टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक टॉक्सिन, मतलब टॉक्सिन कितने अमाउंट में कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उसके बेसिस पे, या कैसे वो सेरोलॉजिकल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं उसके पैटर्न पे उनको थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली एक ही स्पेसिस की है उनकी प्रॉपर्टीज बहुत सी सेम होगी, बट थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अबाउट द टॉक्सिन प्रोडक्शन. सपोज वी विल कंसीडर कि ए जो है वो ज़्यादा जो है अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बी जो है वो ज़्यादा बीटा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो इस बेसिस पे ए एंड बी ऐसा क्लासीफाई किया है. ओके, देन जो वेरियंट ए जो है इट इज़ फाउंड इन द इंटेस्टाइन, जो नॉर्मली हमारे बॉडी में है, इट इज विच इज़ द वेरिएंट ए टाइप. ओके, ए टाइप का क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस. नाउ इट प्रोड्यूसेस द एन एरोबिक इन्फेक्शन व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू द बॉडी बाय द पेरिनेंटल रूट्स. नाउ पेरिनेंटल रूट्स मतलब क्या, कि कहीं इंजरी हुए एक्सेप्ट फॉर द ओरल. ओके, और इंट्रावेनस मतलब अगर कहीं इंजरी है तो उस रूट से एंटर होना. ओके, सो ये जो है नॉर्मली हमारे बॉडी में रहता है, बट वो एनएरोबिक इन्फेक्शन कॉज करता है अगर वो हमारे किसी इंजरी से एंटर हो, या कहीं ट्रोमा से एंटर हो, या सर्जरिकल इंजरीज आपको पता है ऑपरेशंस उससे एंटर हो. ओके, गलती से अगर हमने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली, हमने डिसइंफेक्टेंट नहीं लगाया, स्टरलाइज नहीं किया वॉन्ड को, देन इट कैन लीड टू द इन्फेक्शन, वी ऑल नो दैट. देन दिस वेरिएंट बी जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेंट्री इन द लैम्स एंड द अदर एनिमल्स, मतलब वो शिप और दूसरे एनिमल्स में, लैम्स मतलब क्या, शिप्स, उनमें वेरिएंट बी इन्फेक्शन कॉज करता है, इट इज़ नॉट इन अवर केस. देन वेरिएंट सी जो है इट लीड्स टू द हेमोरेजिक एंटेरो एक्जिमियम इन द शिप, गोट्स, सकिंग पिग्स एंड द काल्स, मतलब ये सब. एंड वेरिएंट सी भी जो है वो भी हमें इन्फेक्शन नहीं कॉज करता, वेरिएंट बी भी है हमें इन्फेक्शन नहीं कॉज करता. देन वेरिएंट डी जो है वो एंटेरोक्सिमिया कॉज करता है इन द मैन एंड द एनिमल्स. ओके, डी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल इन कॉजिंग द मैन इन्फेक्शन इन द मैन, मतलब ये क्या करेंगे, एंटेरोक्सिमिया मतलब आरबीसी को डिग्रेड करने वाले टॉक्सिन्स. ओके, एंटेरिक रूट से एंटर किए हुए. ओके, नाउ देन देयर इज़ द वेरिएंट एफ जो ह्यूमन में रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन कॉज करने में, वो क्या करता है, नेक्रोटिक एंटराइटिस, इट इज़ अ टाइप ऑफ द इन्फेक्शन विच इज़ इन द इंटेस्टाइन. नाउ द रेजिस्टेंस, कि मतलब हम इसको कैसे अवॉइड करें,
तो ये जो स्पोर्ट्स है, अगर हमने वाटर वाटर में एज आई टोल्ड कि फीसेस के थ्रू वाटर कंटामिनेट हो जाता है, तो ऐसे में हमें लाइक हमें क्या बताया जाता है कि पानी उबाल के पियो, सो फॉर दैट पर्पज़ ओनली, कि वी नीड टू बॉयल द वाटर ताकि ये अगर कहीं गलती से क्लॉस्ट्रिडियम के यू नो देर इज़ द क्लॉस्ट्रिडियम के स्पोर्ट्स इन द वाटर, तो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड इन 90 मिनट्स. ओके, 8 to 90 मिनट्स तक इनको लाइक जितना हमें लग रहा है कि अंदाज़ा है ये पानी साफ़ नहीं है, तो हम उतना ज़्यादा उसको बॉईल करें उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा. देन विजिटेटिव फॉर्म्स जो होते हैं वो ससेप्टेबल होते हैं, मतलब विजिटेटिव फॉर्म्स मतलब क्या कि दे आर नॉट अ स्पोर्ट्स, तो वो इजीली किल हो जाते हैं, तो हम वहाँ पे डिसइनफेक्टेंट्स का यूज़ कर सकते हैं लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड्स, सिल्वर अमोनिया, फिनॉल इन द कॉन्सेंट्रेशन कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर द डिसइनफेक्शन. वी ऑल नो, मतलब ये जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कि हम फिनॉल से घर साफ रखते हैं, या हॉस्पिटल्स में भी साफ़ सफाई रखी जाती है, वो फॉर दैट फॉर वॉट पर्पज़ इट इज़ डन, ताकि कहीं इन्फेक्शन ना हो, किसी सरफेस से इंजुरी को टच ना हो जाए उससे कहीं, या कहीं सरफेस हमें लग जाए और हमें इंजुरी हो तो उससे इन्फेक्शन ना हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, देन पैथोजेनिसिटी फॉर द एनिमल्स, तो लैबोरेटरी एनिमल्स जो हैं दे आर द मोस्ट ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शन. ओके, बिकॉज वो उनकी अगर प्रॉपर केयरिंग ना की जाती तो जाए तो वो इन्फेक्शन में लाइक ससेप्टेबल होते टू द इन्फेक्शन. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स रिवील्स दैट ओडेमा एंड द टिश्यू नेक्रोसिस विद द गैस एकुमुलेशन एट द साइट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्लॉस्ट्रिडिया आर फाउंड इन द ब्लड. तो ये जो क्लॉस्ट्रिडियम है, जब लैब एनिमल्स पे टेस्ट किया गया, तो अगर किसी लैब एनिमल में इन्फेक्शन हुआ है तो वो जनरली जहाँ पे इंजरी है वहाँ से वो एंटर होते हैं, वी ऑल नो, तो वहीं पे ज़्यादा वो मिलते हैं और ब्लड में ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वो हीमोलाइटिक होते हैं, वी ऑल नो. सो दिस इज़ अबाउट इट. वी विल सी द हाउ दे कॉज द डिसीज इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.